हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। स्टूडेंट्स, जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये भी दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है कि राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 680 एंड राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास है। अब इन दो वैल्यू को हमें निकालना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल वैल्यू को, हम यहाँ देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला जो है, सबसे पहला काम फर्स्ट हमारे पास दिया गया है, ये है कॉस इनवर्स कॉस 680। तो ये हमारे पास जो है 680। अब यहाँ हमारे पास ये जो वैल्यू दिया गया है कि कॉस में जब हम इसको देखते हैं 680 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 680 को हम जो है लिख सकते हैं 2 × 360 -40। हम जो क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं cos इनवर्स, यहाँ पर cos है 2 × 360 माइनस। अब हम यहाँ से इसमें से जो है हम यहाँ पर 40 को माइनस करेंगे तो बिल्कुल जो है सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास हम जानते हैं कि cos जो है, वी नो दैट यहाँ पर हो जाएगा cos n into 360 minus theta is equal to cos theta। अब ये हमारे पास है क्योंकि हम जो है 360 में से हम जो है माइनस करेंगे, cos की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हम इसको n के साथ हम यहाँ पे फार्मूला बना देंगे और ये हमारे पास जो है इस फार्मूले के बेस पर हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पर cos हो गया यहाँ क्या है 40। ठीक है, cos 40। अब ये cos से cos हमारा ये जब ये खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, और ये हमारे पास जो है पाई बाई 2 के बीच में, हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम इस तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन की भी हम बात करते हैं, उनको भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम। इसका जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पर दिया गया है, द सेकेंड पार्ट है लिखा गया है टेन इनवर्स, यहाँ पर है साइन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पर साइन माइनस का थीटा, अब साइन माइनस का थीटा इक्वल टू हमें जो है इसको पहले चेक करना होगा। तो पहले तो हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू, वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो यहां पर होता है हमारे पास माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करें, तो ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का यहाँ क्या हो गया sin पाई बाई में 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि sin 90 की वैल्यू जो होती है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1। तो sin 90 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ पर हो गया माइनस का 1। अब tan इनवर्स जो है यहाँ पर माइनस का 1 है, तो अब हम इसको देखेंगे कि इसकी वैल्यू को हम इसको कैसे जो है हम यहाँ पर सॉल्व करें, तो हमें थोड़ा सा इसे भी जो है ध्यान देना पड़ेगा। अब 1 को हमें फिर से, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू हमारी आ गई, तो हम इसको बनाएंगे यहाँ पर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस का tan पाई बाई 4, हम लिख सकते हैं tan के फॉर्म में हमें बना सकते हैं। ये हमारे पास जो है माइनस की वैल्यू जो दी गई है, इसको हम जो है अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, हमने यहां पर भी इसकी भी वैल्यू को हमने बनाया। तो यहां पर हम इसको देखिए, ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई में 4 माइनस पाई बाई 4, अब यहां पर दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। तो आसानी से हम जो है इन दोनों को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा हमें जो है चेंज करना पड़ा, इस वैल्यू को जब रिजल्ट के रूप में ले आते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। So students, thank you for watching my video. आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.